कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं और विवेक आ गया, हमारा ब्रेक हो गया। अब हम इस कार को ड्राइव करके देखते हैं। वैसे तो कोई चेंजेस होने नहीं है, जो थार है वही थार है ये, लेकिन हाँ, अलॉय व्हील्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। उस चेंज को हम लोग देखते हैं कि कैसा है, और रूफ टॉप के बिना गाड़ी में आपको कितना नॉइज़ फील होता है, कितना अनकम्फर्टेबल लगता है, नहीं लगता है, बॉडी पार्ट्स की आवाज़ अंदर आप फील करते हो नहीं करते हो, तो वो सब चीज़ें हम लोग जज करेंगे इसको ड्राइव करके। चलिए लेट्स ड्राइव। यार, कार में बैठ के जो सबसे पहली चीज़ मैंने फील की है वो है कंफर्ट। बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप अलॉयज़ को नहीं बदलते हैं और सेम कंपनी फिटेड अलॉयज़ के साथ ही रहते हैं, तो आप सीरियसली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सस्पेंशन को एंजॉय कर रही हूँ मैं मेरे में तो अगर आप गाड़ी को मोड़ते हो ना, तो टायर्स जो है बॉडी से टच हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सा फैक्ट है इसमें कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। अच्छा सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के लिए वही रिक्वायर्ड है, वो चीज़ तो इसमें है ही अच्छी। दूसरा जो इसमें एक चीज़ है कि ये आप ओपन रूफ के साथ अगर ड्राइव करेंगे, तो जैसे मेरे बाल बहुत उड़ रहे हैं तो बंदियों के थोड़े बाल वाल उड़ेंगे विंडो डोर क्लोज कर दो ना, तो वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ओके ओके, सेंटर में नाउ यू टेन। हाँ, अब मेरे बाल नहीं उड़ रहे हैं, अब कोई कमी नहीं है। और ऐसे अगर मैं रोड नॉइज़ की भी बात करूँ ना, कि हाँ यार बाहर से बड़ा शोर आ रहा है, तो यार हॉर्न्स की आवाज़ तो वैसे भी आती है नहीं। और जो लोग शौकीन है ना, जिनका पैशन है, जिनको इस तरीके की कार का शौक है, वो इस चीज़ को फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं, उनको इसमें कोई कमी नहीं लगेगी। वो माइंडसेट ही अलग है, वो लोग जब आप मिलोगे ना, थार ड्राइवर्स जो लोग रखते हैं अपने पास ओनर्स, उनका उनकी मेंटालिटी, उनका थॉट प्रोसेस, वो लीग ही अलग है, वो सब मस्त मौला टाइप है। अच्छा, आई एम नॉट अ वेरी हार्ड कोर ऑफ राइडर, ये मैं अपने आप को मतलब समझता हूँ। तो मेरे को चाहिए कि अगर मान लो कोई गंदा एरिया है, कहीं से निकालना है, तो बस निकल जाए, बस गाड़ी निकल जाए, बस निकल जाए। तो 4x4 मैं आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, लाइक कि भाई अब जा फंसेंगे फिर निकालेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू। मैं वो भी करती हूँ। अच्छा, मुझे कुछ दिखता है ना गड्ढा वड्ढा ये हो, तो मैं उसमें गाड़ी को पहले फंसाती हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, वो फन पर्पस से है। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर किचन में घुसने की बात करें, कि अगर चल वहाँ पर घुस जाए, तो वो नहीं करूँगा, अनलेस एंड हमारे पास एक काफिला हो गाड़ियों का। यार जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे गर्मियाँ भी बहुत होती हैं। अगर गर्मियों में आप मुझसे बात करें, जैसे हम अभी इसको चला रहे हैं, थोड़ी गर्मी है, तो गर्मी फील हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका एसी बहुत इफेक्टिव है, और जो ऊपर हवा भी है ना, वो सीधा क्रॉस ओवर हो जाती है, वो एरोडायनामिक्स लगा लीजिए। वैसे तो अभी इस टाइम एरोडायनामिक्स को फुल ऑन हमने ज़ीरो कर रखा है, क्योंकि पूरा ओपन है ये, लेकिन हाँ, आपको इतना अनकंफर्टेबल नहीं इसमें लगने वाला, आपको कंफर्टेबल लगेगा। बट यस, नो डाउट, टैनिंग बहुत अच्छी खासी होने वाली है। हाँ, वो हमने भी एक्सपीरियंस किया था अभी ड्यूरिंग। फिर आपको वो दूध में, कच्चे दूध में बेसन को मिला के लगाना पड़ेगा। इतनी मेहनत नहीं होती बॉयज के साथ, हम तो शेव करें, अब तो वो भी नहीं करता। हाँ, आपकी टैनिंग पता ही नहीं चलेगी। अरे, it was all over the forehead. मुझे 4 दिन लगे उसको हटवाने में। तो ये एक है इसका नेगेटिव, लेकिन ठीक है, मतलब अगर आपको धूप के टाइम चलाना है, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो हो गई, या तो लग्जरी कर लो या फिर आप एडवेंचर कर लो। वही हमने बोला ना, जो इस लीक के लोग हैं, वो तो वैसे ही आधे पागल होते हैं। वो हर चीज करेंगे इसके लिए, उनको टैनिंग वैनिंग सब मंजूर है, अगर एंजॉय करना है इस तरीके से, तो एंजॉयमेंट होगी। यार अब थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ इसकी ड्राइव का, इस कार के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंशन की। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डबल विशबोन कॉयल ओवर डैम्पर का यूज़ किया गया है, जो अपनी क्लास का बहुत अच्छा सस्पेंशन माना जाता है। कार के अंदर सस्पेंशन वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अनलेस एंड अनटिल आप इस गाड़ी के टायर्स के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। सेकेंडली, मैं बात करूँगी इसके स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग बहुत वेल कनेक्टेड आपको फील होता है, कार आपको फुल ऑन अपने कंट्रोल में लगेगी, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार मेरा कंट्रोल हट रहा है गाड़ी की ड्राइव से। तीसरी बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है, और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं। तो सेफ्टी वाइज थार को काफ़ी सेफ कार माना जाता है, ऐसा जिसके कोई बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट के न्यूज़ आपने सुने भी नहीं होंगे। बाकी एयर बैग्स तो इसमें है ही, एयर बैग्स हैं, और सबसे ब्लेसिंग है पीछे जो टायर हमारा स्टेपनी लगा हुआ है, दैट इज आल्सो अ सेफ्टी। हाँ, वो पीछे से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हुआ भी है मेरे साथ। ओके, राइट, का सा मेरे को महसूस हुआ उसका। तो मतलब आगे से पीछे से कोई डर है नहीं, साइड से आप थोड़ा बचा के चलाइएगा, और बेसिकली अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे तो रिस्क तो रहेगा ही। हाँ, ओवर स्पीडिंग सबसे मेन रीजन है एक्सीडेंट का। अगर आपकी कार कंट्रोल में है, तो कुछ नहीं होता, ऐसा आप कर लेते हो गाड़ी को कंट्रोल।
म्यूजिक सिस्टम को आप चेंज कराएंगे? आई गेस आई विल नॉट। नहीं अब ये इसमें आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट एक करना चाहिए थार को। अच्छा हाँ, म्यूजिक सिस्टम को आप चेंज कराएंगे तो आप ज़्यादा इन्जॉय। दोस्त आपको थोड़ा सा ना रोड में नॉइज तो आएगा, अगर आपका साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो थोड़ा सा आप उसको फील करेंगे, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक सिस्टम जो इसका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा है। चलिए आपको टेस्ट भी कराते हैं और हम थोड़ा शोर शराबा कम करते हैं। स्टार्ट विवेक। म्यूजिक सिस्टम नो डाउट अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हाँ लगता है कि स्पीकर्स में आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं या पूरा म्यूजिक सिस्टम ही चेंज कर दो। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को मिला नहीं कुछ मतलब इसका, क्योंकि अगर आप इसको एक बार यूज कर लेंगे ना right. तो इसकी जो कंपैटिबिलिटी है मोबाइल के साथ वो बड़ा वो बहुत इजी है, इजी गोइंग्स है right. मेरे को स्पीकर्स जरूर लगते हैं, स्पीकर्स अगर मैं इसमें पंच के स्पीकर्स लगा दूं या कुछ और बेटर लगवा दूं mm-hmm. क्योंकि इसमें डैम्पिंग तो हो नहीं सकती, डैम्पिंग नहीं तो इसलिए मेरे ख्याल से वो स्पीकर्स विल बी सफिशिएंट टू राइट राइट म्यूजिक। अच्छा विवेक एक चीज, जैसे ऑल ब्लैक इंटीरियर देते हैं ये और अंदर से जैसे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती क्या, ये अनहाइजीनिक सी? व्हाट आई फील इज दैट व्हेन वी आर इन थार, तो अगर वो गंदी नहीं है ना तो वो थार नहीं, गंदी थार। सो अगर आप उसको जितना डर्ट में, जैसे क्रिस्टा को मैं थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के साथ रखना चाह रहा हूँ okay. जो दूसरी सेडान है उसको अच्छे से रखना, ये इसको ये रगेड है, इसके साथ आप इसको आप मतलब प्यार से सहला करके नहीं रखना। हाँ ये वो व्हीकल है ही नहीं, उस चीज को जस्टिफाई नहीं करती है, मुझे प्यार से क्यों रख रहे हो यार। अच्छा नाम दिया आपने वैसे, गंदी थार। ये विवेक ये ना बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए ना महिंद्रा की तरफ से थार, कि इसमें आप अपना सारे शौक पूरे कर लेते हैं, हम इसको अच्छे से ऑफ रोड कर सकते हैं, ओपन रूफ इंजॉय कर पा रहे हैं। अगर महिंद्रा ने थार को नहीं बनाया होता तो हम थार लवर्स का क्या होता, क्या ऑप्शन थे हमारे पास? That's a very tricky question. I'll tell you, मुझे नहीं लगता कि थार का कोई रिप्लेसमेंट एक्चुअली है, अदरवाइज महिंद्रा जीप्स तो बनाता ही था पहले से। सो मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी महिंद्रा की जीप, सो हमारे वहाँ पर वो जो देसी तरीके से बनाई जाती थी ओपन जीप, तो मैंने हमारी फैमिली में थी तो क्लास 5-6 में मैंने शुरू कर दी थी गाड़ी चला दी। अच्छा तो कहीं ना कहीं थार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर ये नहीं होता तो महिंद्रा की कोई देसी जीप हम चला रहे होते जहाँ हमें मिलती है, अगर वो शौक पूरे करने होते तो वैसे ही होती है। हाँ। लेकिन थैंक गॉड थार इज देयर। इसके कंपैरिजन में ऐसा कोई कार है भी नहीं कि अगर आप चूज किसके साथ करोगे इसको? हाँ क्योंकि जीप कंपास जो है वो मोर टुवर्ड्स थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सी कार लगती है, कंफर्ट एसयूवी है, लेकिन ये इसका चार्म कहाँ है, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ओपन भी नहीं है ऐसे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है बड़ा से हाथ निकालने में। अभी दो दिन पहले जब रात के 2:30 बजे हम चार दोस्त जा रहे थे, सो उसमें तीनों दोस्त जो है वो खड़े होकर के वेव कर रहे हैं और मैं चला रहा था, एंड आई वाज रिग्रेटिंग दैट टाइम कि यार मैं गाड़ी सीरियसली अभी ये सोच रही थी कि आपको चलानी चाहिए थी, मुझे वहाँ पे बैठना चाहिए था, कभी खड़े होना चाहिए था, कभी बैठ जाना चाहिए था, और वेव तो करना ही चाहिए था आते जाते लोगों को। हेड टर्नर्स तो डेफिनेटली है ही। हाँ हेड टर्नर नो डाउट है थार, मतलब मैंने बोला ना आप कोई भी लग्जूरियस कितनी बड़ी गाड़ी चला लीजिए, कितनी महंगी गाड़ी चला लीजिए, लेकिन जो थार का क्रेज है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, डिफरेंट चीज़ है। अगर हम इंजन की बात करें तो इसके अंदर 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन यूज़ किया गया है, जिसका कॉन्फिग्रेशन इज 130 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विथ 300 Nm का टॉर्क, तो टॉर्क बहुत ज़्यादा है, नो डाउट बहुत पावरफुल कार है और बहुत ही कम RPM पे आप इसको रीच कर लेते हैं। तो दोस्त ये था हमारा थार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सीरियसली बिलीव मी मज़ा आ गया इस गाड़ी को चला के, ऐसा जैसा कोई इतना शोर शराबा नहीं लगता, आप इन्जॉय करोगे यार इस गाड़ी की ड्राइव को, ओपन रूफ हो, मज़ेदार मौसम हो, फिर तो बस बोलने ही क्या है, लेकिन हाँ जितनी धूप आ जाए उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। हाँ। थोड़ा मौसम प्लेजेंट होना चाहिए। हाँ, तो मतलब स्पेसिफिक मोशन पे। हाँ आप हिल स्टेशन पे इसको बहुत इन्जॉय करने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग टीज पे। हाँ और पता है अगर बारिश हो गई ना विवेक, तब हम जितनी देर लगाएंगे इतने में तो पूरे गीले हो जाएंगे, लेकिन उसका भी फन है। चलिए अब हम विवेक की सेकंड कार दैट इज इनोवा क्रिस्टा उसका रिव्यू करते हैं, लेकिन उस कार का वीडियो हम आपको कल दिखाएंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा खुश रहना, लव यू ऑल, बाय।